नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 गणित भाग 4 का एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 2। दोस्तों हमें प्रश्न दिया है, देखिए क्या आप जानते हैं कि 1.7 बराबर 0.142857 पर बार ये दिया है, तो हमें इन इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हल, हम जानते हैं, हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, 1/7 बराबर 0.142857 पर बार। ओके, चलिए अब तब हमें ज्ञात क्या क्या करना है, तब हमें ज्ञात करना है, देखिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब का मान ज्ञात करना है, हमको जे वाला मान दिया है। तो हमने 2/7 लिखा और बराबर में लिखा 2×1/7, क्या हम लिख सकते हैं, ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा देखिए, हमारे पास 1/7 का मान दे रखा है, चलिए रख देते हैं 2×0.142857, ये मान तो दे रखा है ना हमारे पास, हम इसका 2 में गुणा कर देते हैं। हमने 2 का गुणा किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 × 7 = 14, 14 × 4 यहाँ से लिख, 2 × 5 = 15 और 1 × 16 = 6 यहाँ से लिख, 2 × 8 = 16, 16 × 1 = 17 यहाँ से लिख, है ना, 2 × 8, सॉरी 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5 और 2 × 8 और 2 × 1 = 2 और 0.0, कोई दिक्कत। तो हमारा 2/7 बराबर कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब दूसरा लेते हैं हम इसी प्रकार, ये दिया है आपका 3/7, इसको ऐसे ही लेंगे हम, देखिए इसका क्या करेंगे, 3×1/7 और ये हम 1/7 का मान रख देंगे 0.142857, गुणा कर दो इसका 3 का, 30 × 21 हासिल 2, 3 × 5 = 15 और 2 × 17 = 7 हासिल 1, 3 × 8 = 24 और 1 × 25 25 × 5 हासिल 2, 3 × 2 = 6 और 2 × 8, 3 × 12 12 × 2 हासिल 1, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, तो जे हमारा आंसर आ गया और 0.0, तो जे आ गया। इसी प्रकार हम 4/7 का कर लेंगे, 5/7 का कर लेंगे, 6/7 का कर लेंगे, सबका गुणा करके करना है, मैंने आपको गुणा करके बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर नहीं 0। अब सबसे पहले हम करते हैं पहला वाला, पहला हमारा क्या है, 0.6 पर बार। ओके, तो हम क्या करते हैं, माना माना एक्स बराबर 0.6 और जो 6 पे बार है यानी कि 6 की बारंबारता है, तो 6 को हमने लिख लिया ... ओके, और इसको मान दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण में दोनों तरफ 10 का गुणा कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स था तो 10x बराबर, अब इसमें गुणा करेंगे हम 10×,
10 गुणा 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो जे तो 10x बराबर हो जाएगा जे, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो जे क्या हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, जे समीकरण दो मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण दो माइनस एक, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देते हैं। तो चलिए पहले समीकरण दो लिखते हैं, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और जे क्या है x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसको चिन्ह पलट देंगे, हम लिख देंगे घटाने पर। दस में से एक्स जाएगा, 9x बचेंगे बराबर, यहाँ जे आपका बचेगा 6 पॉइंट, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, यानी कि जे डॉट 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 6 0 बचेगा। तो 9x बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6 और 9 बटे में आ जाएंगे, इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ओके चलिए नेक्स्ट, हमारा इसी तरीके के पूरे सवाल हैं जो आप इन इसी समीकरण से, यानी कि दोनों को समीकरण मानना है और इसी विधि से आपको करना है, और समझ में ना आया तो दूसरी बार देख लेना है, और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके बताओ, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।